हे गाइस, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम भूषण और आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब भूषण रेड पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फ़ोन के बारे में, जो कि रियलमी एक्स टी। तो बेसिकली ये फ़ोन में जो है वो अपडेट आ चुका है C0.3। ये जो अपडेट है ये रियलमी एक्स टी के लिए हमारे पास जो है वो आ चुका है गाइस। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले उसी के बारे में। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए सीधा बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। एंड आपको सभी को बता देता हूँ कि अपडेट में हमें क्या क्या देखने मिलता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या क्या इश्यूज़ थे, क्या क्या इश्यूज़ सॉल्व हो चुके हैं, एंड क्या इशू अभी अपडेट के बाद आ रहे हैं। तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा वीडियो में। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं मोबाइल्स के स्क्रीन्स पे, और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये है मेरे पास रियलमी एक्स टी ये मोबाइल। एंड गाइस, अभी चलो मैं आपको बता देता हूँ इसके अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे इसके सेटिंग्स में, और जैसा कि गाइस आप देख सकते हो अभी मैं आ चुका हूँ इसके सेटिंग्स के अंदर। एंड अभी सेटिंग्स के अंदर आने के बाद सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इस फ़ोन के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है मोबाइल है रियलमी एक्स टी। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 128 GB वाला फ़ोन है, एंड इसकी जो रैम है वो अराउंड 8 GB की इसकी रैम है गाइस। ठीक है गाइस, तो चलिए अब बात करते हैं। ये तो आपको मोबाइल के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, और इसका जो एंड्रॉयड वर्जन है एंड्रॉयड वर्जन 10 है जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे। गाइज, अभी बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हो अभी ये बता रहा है डिटेक्टिंग, और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिख कर आ चुका है दिस इज़ द लेटेस्ट वर्जन रियलमी UI। और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे C.03, तो ये जो वाला वर्जन है ये एकदम से लेटेस्ट वाला वर्जन आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है RMX 1921_11_C.03। ये जो है ये हमारा लेटेस्ट अपडेट है गाइज। अगर बात करते हैं इस लेटेस्ट अपडेट के बारे में हमें क्या क्या देखने में मिल जाता है, तो चलिए अब हम जाएंगे इसके फीचर्स में। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं इसके फीचर्स में आ चुका हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से, और यहाँ पे हमें देखने मिल जाता है कि आपको क्या क्या मिलने वाले। तो सबसे पहले तो ये हमें आपको यह देखने मिल जाता है एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच आपको देखने मिल जाता है मार्च 2020 के बाद में। इन्होंने यहाँ पे बताया कि ऑप्टिमाइज सिस्टम पावर कंजम्पशन है कि जो पावर कंजम्पशन होती है ये इन्होंने उसमें ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश की है गाइस। एंड बाद में इसमें लिखा है कि ऑप्टिमाइज द इफेक्ट ऑफ गेम ऑडियो। गेम ऑडियो यानी कि जो हम गेम खेलते समय ऑडियो हमें सुनने मिल जाता है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है कि वो अच्छे से अच्छे करने की इन्होंने कोशिश की है। बाद में फिक्स द प्रोबेबिलिटी एरर ऑफ बूट एनिमेशन, तो बूट एनिमेशन का जो होता है वो इन्होंने इसमें अच्छा करने की कोशिश की है, एरर वाला जो था वो फिक्स कर दिया गया है। बाद में लो प्रोबेबिलिस्टिक स्टकिंग इशू जो है वो भी इन्होंने यहाँ पे सही से कर लिए है। एंड वाइल यूजिंग द थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, तो यहाँ पे इन्होंने ये जो फिक्स कर दिया है लो प्रोबेबिलिटी स्टकिंग इश्यूज ड्यू टू मेमोरी लीक ऑफ सिस्टम, ये भी इन्होंने यहाँ पे जो है ठीक कर दिया गया है। एंड फिक्स द प्रोबेबिलिटी इश्यू दैट फोटोज और स्क्रीनशॉट आर नॉट डिस्प्लेइंग आफ्टर अपग्रेडिंग, तो जो स्क्रीनशॉट होते वो नहीं डिस्प्ले कर पाता था, तो ये भी इन्होंने यहाँ पे जो है ये फिक्स कर दिया है। तो गाइज, अभी हम जाते हैं वापस फर्स्ट स्क्रीन पे हमारे, और जैसे कि आप देख सकते हो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ मेरे फर्स्ट स्क्रीन पे। तो सबसे पहले तो जो हमारे रनिंग ऐप्स हैं वो मैं कर लेता हूँ इसे क्लोज़। तो कुछ इस तरह से अभी हमने कर लिए है इसके रनिंग ऐप्स क्लोज़ गाइज। तो जैसे कि आप देख सकते हो फ़ोन वैसे तो काफ़ी स्मूथ लग रहा है, एकदम सही से ये हमें देखने मिल जाता है यहाँ पे गाइज। एंड अभी बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। तो मैं वापस एक बार सेटिंग्स में जाऊँगा, सेटिंग्स में जाने के बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखा देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक बैटरी करके एक ऑप्शन देखने मिल जाता है। तो बैटरी में अगर आप जाते हो तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने मिल जाती है, जैसे कि यूज सीन्स यानी कि ये चार्ज होने के बाद आपने कब चार्जिंग से कब से निकाल के रखा है, इसे कितने देर तक यूज़ किया है और कितने देर तक ये चलेगा, ऐसे वाली ये चीज़ें होती है यहाँ पे आपको बताता रहता है। आपको यहाँ पे पावर सेविंग के कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि स्लीप स्टैंड बाय ऑप्शन होता है। बाद में आपको आपको अलग अलग ऑप्शंस देखने मिलते हैं। परफॉर्मेंस मोड होता है, यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस चाहिए, स्मार्ट परफॉर्मेंस मोड चाहिए या नो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। ये तो अगर आप ये लास्ट वाला सिलेक्ट करते हो तो इससे आपकी बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये हाई परफॉर्मेंस किया तो ऑब्वियसली आपकी बैटरी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कंज्यूम होने वाली है। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे पावर यूसेज हमें देखने मिल जाता है कि कौन से एप्लीकेशन ने कितना पावर यूज़ किया है, ये आज का, कल का या 2 दिन पहले का। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ें जो है यहाँ पे हमें ये देखने मिल जाती है। एंड ये स्मार्ट पावर सेवर वाला ऑप्शन यहाँ पे हमें देखने मिल जाता है गाइस। तो गाइस, हम आते हैं वापस इसके सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में आने के बाद गाइस इसका जो था वो स्क्रीनशॉट डिस्प्ले नहीं हो रहा था, तो देखिए मैं अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। और जैसे कि आपने देखा स्क्रीनशॉट हो गया, और यहाँ पे भी हमें ये जो है इंस्टेंटली स्क्रीनशॉट इसका जो है डिस्प्ले हो गया है। पहले पहले क्या होता था कि ये स्क्रीनशॉट ही डिस्प्ले नहीं होता था, तो अभी ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम इन्होंने फिक्स कर दिया है। स्क्रोलिंग स्क्रीनशॉट में आप इसमें ले सकते हो, तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैं बस इसे करूँगा लॉन्ग स्क्रीनशॉट पर क्लिक।
एंड बस मुझे इसे करना है ऐसे ऊपर ऊपर ऊपर। तो ये जो हो गया अभी ये हो गया लॉन्ग स्क्रीनशॉट, ठीक है। जैसा आप देख सकते हो इतना बड़ा जो हमारा स्क्रीनशॉट है वो आराम से यहाँ पे आ चुका है। तो कुछ इस तरह से स्क्रीनशॉट के बारे में हो गया है गाइस। इसमें एक और नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया गया है, अगर आपको पता है या नहीं पता है वो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। तो जैसे हम जाते हैं सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स के अंदर इन्होंने हमें प्रोवाइड किया है वाईफाई कॉलिंग वाला ऑप्शन, ठीक है गाइस। तो ये वाईफाई कॉलिंग वाला ऑप्शन जो है हमें देखने मिल जाता है, अगर आप यहाँ पर जाते हो और यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है वाईफाई कॉलिंग, ठीक है। तो अगर आप इसे अनेबल करते हो तो वाईफाई कॉलिंग के थ्रू आपका कॉल जो होता है वो कट नहीं होगा एंड आप क्लियरली आगे वाले बंदे को सुन सकते हो। तो इसके लिए मेन ये होता है कि आप वाईफाई पे कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो वाईफाई पे कनेक्टेड होगी तो ये वाली सर्विस जो है ये आराम से आपके लिए चलने वाली है, कुछ इस तरह से गाइस। एंड गाइस अभी बात करते हैं इसके फिंगरप्रिंट सेंसर्स के बारे में, यानी फिंगरप्रिंट सेंसर्स किस तरह से वर्कआउट हो रहे हैं इसके। तो अभी मैं आता हूँ एंड मैं इसे कर लेता हूँ बंद साइड से। एंड अभी जैसे कि आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट यहाँ पे आ चुका है, मैं बस अभी इसे फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर लेता हूँ। तो जैसा कि गाइस आपने देखा ये अनलॉक हो चुका है, इंस्टेंटली अनलॉक हो जाता है। वापस एक बार लॉक करते हैं अनलॉक, जैसा कि आप देख सकते हो गाइस ये इंस्टेंटली अनलॉक हो चुका है। गाइस इसमें मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, जैसे कि अभी हमें इसे अगर ये तो मैंने अभी समझो मैंने इसे अनलॉक कर लिया, ठीक है, मेरा फिंगरप्रिंट ठीक से नहीं रखा मैंने, हाँ ये देखिए इंस्टेंटली अनलॉक जो है वो हो चुका है। अभी मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, तो आपको अगर इसे बंद करना है तो हमेशा ये बटन प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर मैं अगर डबल टैप भी कर लेता हूँ ना तो ये देखिए फ़ोन मेरा जो हो गया है वो हो गया है बंद। एंड मुझे अगर अनलॉक करना होगा तो मैं बस इस पर रखूँगा अपना फिंगर एंड कुछ इस तरह से जो है वो अनलॉक हो जाता है। मतलब डबल टैप अगर करते हो तो आपका जो फ़ोन है वो बंद हो जाता है एंड वापस डबल टैप करने के बाद नीचे जो फिंगरप्रिंट है वो भी आपको देखने मिल जाता है। तो अगर आपको ये सेट करना है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के आना है एंड फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने मिल जाता है डबल टैप टू लॉक। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो ये जो है आपका ये फीचर जो है वो ऑन हो जाएगा गाइस। तो कुछ इस तरह से आपको ये देखने मिल जाता है गाइस। अगर बात करते हैं इसकी बैटरी चार्जिंग के बारे में तो चार्जिंग का थोड़ा इशू मुझे लग रहा है कि क्योंकि चार्जिंग का जो टाइम है वो टाइम बहुत ज़्यादा ये कंज्यूम कर रहा है चार्जिंग के वक्त। एंड अगर बात करते हैं यानी कि मतलब स्लो चार्ज हो रहा है यार गाइस इसका फ़ोन, अभी पहले तो भी जितना फास्ट होता था उससे काफ़ी कम अभी ये स्लोली स्लोली जो है चार्ज हो रहा है हमारा रियलमी XT वाला मो डिवाइस गाइस। एंड अगर बात करते हैं इसमें जो गेम स्पेस होता है गेम्स पे भी हमें थोड़ा सा अपडेट देखने मिल जाता है, तो मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ। तो ये हम आ चुके हैं गेम स्पेस के अंदर अभी। तो जैसा कि आप देख सकते हो रियलमी XT का गेम स्पेस हमने ऑन कर लिया है, तो इसे तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए कोई परमिशन नहीं देने वाला, तो ये बंद ही हो गया। तो मुझे आई थिंक इसे परमिशन देना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें कुछ गेम्स हमें देखने मिल जाते हैं और नीचे से भी आप देख सकते हो स्मार्ट ड्यूअल चैनल नेटवर्क ब्राइटनेस। तो ड्यूअल चैनल नेटवर्क बेसिकली करता क्या है कि अगर आपका वाईफाई भी शुरू है एंड आपका 4G का इंटरनेट भी शुरू है और अगर आप कोई PUBG जैसा कोई गेम खेल रहे हो एंड आपका वाईफाई अचानक से चल जाता है तो वो दोनों इंटरनेट यूज़ करता है, मतलब वाईफाई भी एंड आपका मोबाइल का नेट भी, ताकि आपको एकदम लैग फ्री जो गेम है वो चलते जाए। तो कुछ इस तरह से जो खास खास करके एप्लीकेशन है वो आपको इसमें देखने मिल जाते हैं एंड गेम स्पेस भी अच्छा सा इसमें अपडेट हो चुका है। तो गाइस जैसा कि अभी आपने देखा वीडियो हो चुका है कंप्लीट एंड वीडियो में हमने बात किया था रियलमी XT के बारे में, इसके अपडेट के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में एंड इसमें क्या क्या हमें देखने मिलता है। सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बताया इसके बैटरी के बारे में हमें यहाँ पे देखने मिल जाता है, एक बैटरी करके फीचर होता है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका जो मोबाइल है वो कितना देर तक चला, मतलब उसका स्क्रीन ऑन टाइम आपको कितना मिल रहा है। तो बेसिकली आज के डेट में तो भी रियलमी XT में मुझे मिलता है 7 से 8 घंटा अराउंड, मतलब 7 से 8 घंटा। अब ये 7 से 8 घंटा मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कभी कभी हम थोड़ा बहुत गेम खेल लेते तो उस टाइम में जो होता है वो कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए 7 से 8 घंटे के अंदर मुझे इसका स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है। सेकेंड बात, इसका जो मतलब बैटरी कैपेसिटी होता था ना वो बैटरी थोड़ा सा मुझे अभी कम लगने लगा है पहले के मुकाबले। एंड इसकी जो चार्जिंग कैपेसिटी होती है जो मतलब जिस लेवल जिस स्पीड से ये जो चार्ज होता है ना वो थोड़ा चार्जिंग थोड़ा कम हो चुका है, तो अराउंड 1.5 घंटा लग ही जाता है इसे फुल होने में, थोड़ा ज़्यादा भी लगता है एक्चुअली, क्योंकि 80% होने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, उसके ऊपर जाने में और ज़्यादा टाइम ले लेता है ये। तो 90 के बाद इसका जो पावर इसमें जो मिलता है ना चार्जिंग वाली पावर वो थोड़ी कम हो जाती है, तो इसलिए ये
क्या बोलते हैं उसे, स्लोली चार्ज होता है। तो ये एक इशू मुझे इसमें रियलाइज़ हुआ। स्क्रीनशॉट के बारे में मैंने जैसे आपको बताया, स्क्रीनशॉट लेने के बाद वो अपने एल्बम्स में वगैरह डिस्प्ले हो जाता है। लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी आप इसमें आराम से ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाद में डबल टैप से भी आप इसे लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसका बहुत ज़्यादा सही चल रहा है, तो उसके बारे में तो हमें इसमें कोई इशू नहीं है। जो जो फीचर्स में नए नए मिले वो सभी फीचर्स ठीक है, बस इशू तो वही है कि बैटरी चार्जिंग में थोड़ा टाइम ले रही है एंड डाउन जल्दी हो रही है। तो चार्जिंग में टाइम ले रही है लेकिन डाउन जल्दी हो रही है, तो ये मुझे कुछ इसमें देखने मिला। तो गाइज, अगर आपके पास रियलमी XT वाला मोबाइल है, ये वाला मोबाइल आपके पास है, तो उसमें आपने अपडेट तो किया ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको अपडेट के बाद इसमें क्या क्या देखने मिला, आपके डिवाइस में आपको कौन से इश्यूज आ रहे हैं, वो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, ज़रूर बताइएगा। एंड अगर अभी तक आपने ये वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। एंड गाइज, आपको अगर इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हो। एंड मैं आपको मिलता हूँ एक अगले वीडियो में। बाय बाय गाइज़।